वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जल्दी से बात करेंगे कौन से वो सेटअप थे जिसके ऊपर मार्केट ने आज प्ले किया और वो कौन से सेटअप हैं जिनके ऊपर कल आप ब्लैक या रेड फ्राइडे को आप एक और एक तरीके से खेल सकते हैं। हमारा टारगेट क्या था, सबसे पहले उसकी बात कर रहे थे। हमारा टारगेट था गाइस 38,400 का, जो कल हो गया था। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था वो था 38,800। ये दोनों के दोनों टारगेट बूम बाम 101% डन। ठीक है, व्हेन द होल मार्केट वाज क्रिब एंड क्राइंग सेइंग दैट सेल सेल सेल, मैं आपको बोला था कि बाय करना, मेरे लिए दो टारगेट है, ये दोनों टारगेट आ जाना चाहिए। दोनों टारगेट 100% आ चुके हैं। रिजेक्शन सेम पॉइंट से ऑन द टॉप, निफ्टी 50 भी वहीं से आया है। अब जब लोग सब बोल रहे हैं बाय बाय बाय, और बाय के रीजन भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट है 41,000, सेकंड है 47,000। मैं आपको बोल चुका हूँ ये भी जल्दी आएंगे। अक्टूबर के टारगेट में ऑलरेडी दे चुका हूँ कहाँ तक मार्केट जा सकती है, वो भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी एक करेक्शन होनी चाहिए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मजा ना आए तो पैसा वापस। जैसे वैसे तो मिल नहीं रहे, लेकिन हाँ पैसा वापस मतलब बिंदा सीखने को मिलेगा, वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट ने किया क्या। मार्केट ने आज हमारे लेवल के ऊपर एक बड़ा ही जबरदस्त गैप अप दिया। यूएस इन्फ्लेशन का डेटा जो था वो 9.1 पहले था, 8.7 की प्रेडिक्शन की जा रही थी और 8.5 आया, जो कि एक्सपेक्टेशन से नीचे आया। मार्केट ने उसको सेलिब्रेट किया और 500 पॉइंट की रैली कल रात को आपको डाउ जोन्स के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर देखने के लिए मिली। साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो एसजीएस निफ्टी ने भी उस दिवाली को मनाते हुए करीब करीब 195 पॉइंट्स का रन दिया। सुबह हमारे पास 175-280 पॉइंट का गैप अप एंड 400+ पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला। इन द रिजल्ट हमारे सारे टारगेट डन, मार्केट ने ऊपर खोला। लेकिन हाँ, पर्पल लाइन का जादू हमेशा बना रहता है। इस पर्पल लाइन को नहीं थोड़ा और पर्पल लाइन के नीचे रिस्पेक्ट करते हैं, मार्केट धीरे 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 नीचे आई। आपके हिसाब से अगर ये देखेंगे, ये एक फॉलिंग वेज का पैटर्न है। दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज अ पॉजिटिव पैटर्न। ये इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ भी हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकती है। मेरे पास अभी भी ऊपर के टारगेट है, लेकिन मैं मंथली शॉर्ट पोजिशन बना के बैठा हूँ और मार्केट को मैं ऊपर जाके और शॉर्ट मारने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट 17,400 के लेवल को नीचे की तरफ आके टच नहीं कर लेती है, वो भी आने वाले 7 वर्किंग डेज के अंदर, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। मेरे बोलते ना, दिल को चैन नहीं आएगा मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। अगर मेरी स्ट्रैटेजी फेल होती है तो हम लॉस लेंगे, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी 80% ऑफ द टाइम हिट होती है और अच्छा पैसा देके जाती है। स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ काफी बार और आपको दोबारा सिखाऊंगा। बैंक निफ्टी का ये देखिए, आपने बैंक निफ्टी यहाँ पर एक फ्लैग बनाया, इसका टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर की तरफ स्पेस बाकी है। कल आपको ग्रीन दिखा सकता है कहाँ तक, ये यहाँ तक एटलीस्ट ये वाला टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 39,019 का लेवल। एक लेवल याद रखिएगा गाइस, मेरे लिए जो सबसे मैक्सिमम लेवल स्ट्रेच का है वो है 39,135। ठीक है, मुझे लगता है अगर मार्केट ने स्ट्रेच भी किया बबल गम की तरह इसको खींचने के लिए, तो इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए इसके ऊपर लेकर लेवल दे भी नहीं रहा हूँ, जाएगी तो मैं बाई करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं यहीं से बाइंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर जाएगी तो और शॉट मारूंगा, यहाँ पर जाएगी तो और शॉट मारूंगा। जिस दिन मेरा 39,200 के ऊपर डेली क्लोजिंग आ जाएगी, मैं समझ जाऊंगा कि मैं गलत हूँ और मैं नीचे निकल जाऊंगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, बाकी मार्केट ने अच्छा वाला रिएक्ट किया हमारी लाइन के पास में। अगर आप देखेंगे तो मैं इसको मार्केट हटा देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने ये जो लाइन थी, जो मैंने आपको नंबर दिया था कि मार्केट 100 पॉइंट का स्कोप और बाकी है 38,870, इस पे रिजेक्शन मिलना चाहिए। मार्केट ने यहीं से पिन पॉइंट रिजेक्शन लिया, नीचे आई, इसको तोड़ा, फिर नीचे आई, फिर तोड़ा, फिर नीचे आई, फिर तोड़ा, फिर नीचे आई। इस लेवल को, ये जो जोन है ना, ये वाली, इस जोन के अंदर ही ट्रैप होकर रह गई मार्केट, क्योंकि ये जोन आम जोन नहीं है। ये जोन कौन सी जोन है? ये जोन है फिबोनाची की जोन, और इसको तोड़ना मतलब भगवान से पंगे लेना। हालांकि टूट सकती है, प्राइस सबसे बड़ा, मार्केट सुप्रीम है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ से फॉल दे देना चाहिए और एक करेक्शन दे देनी चाहिए। प्लस गैप्स है नीचे की तरफ, गैप्स भी हैं, उनको भी फिल करना चाहिए, लेकिन हाँ इस पर चाहिए। बैंक निफ्टी के क्या टारगेट है नीचे के मुझे नहीं पता, रीजन बींग बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी को शॉर्ट करना है, क्योंकि निफ्टी के अंदर के लेवल मैंने आपको बता दिया। निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अपने टेक्निकल टारगेट पूरे कर लिए। बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल टारगेट था अभी फॉल के बाद में जब हुआ था वो हो गया था, इसका बह गया 17,400 का लेवल। इसको हम कंफर्म कर लेते हैं कैसे। गाइस, बैंक निफ्टी का भी एक फॉल हुआ था, आपको मैंने दिखाया था,
गाइस मैंने आपको क्या दिखाया था, यहाँ पर आके इंडिकेटर लगाएंगे, यहाँ पर जाएंगे इंडिकेटर कौन सा है वो EMA, मैंने EMA लगाया, ये EMA लग गया तो बसर ई में आ गई, कल EMA लगानी है भाई मेरे को, EMA लगाया, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पर जाके आपको एक्सपोनेंशियल एवरेज की सेटिंग में जाना है और यहाँ पर चेंज करना है 9 to 10, स्ट्रेटजी का नाम है 10 का दम। ये मैंने इसको किया स्टाइल के अंदर, इसको थोड़ा सा कर देंगे मोटा ताकि ये दिखाई दे, ओके ठीक है गाइस। मैंने आपको क्या बोला था, डेली चार्ट के ऊपर इंडेक्स बैंक निफ्टी या निफ्टी जब भी रैली देते हैं, शॉर्ट रैली जब भी होती है तो कितनी कैंडल बताई थी मैंने आपको, 8 से 10 कैंडल, 8 से 10 कैंडल 10 AMA को छू देती है। लेकिन जब भी एक लॉन्ग रैली होती है, तो कैंडल्स विल बी हाउ मच, 15 to 17 candles, और उसके बाद में 10 AMA को, ये मेरा स्पेशल स्ट्रैटेजी है, 10 AMA को टच करती करती। यहाँ पर देखो इसने लास्ट टाइम यहाँ पर टच किया था, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, कैंडल नंबर 4, कैंडल नंबर 5, कैंडल नंबर 6, कैंडल नंबर 7, कैंडल नंबर 8, कैंडल नंबर 9, एंड दिस इज योर कैंडल नंबर 10। 10वीं कैंडल बन गई है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये एक शॉर्ट रैली नहीं है, दिस इज अ लॉन्ग रैली। अब मार्केट कितने दिनों तक ऊपर जा सकती है, मैक्सिमम 15 से 17 दिन, दैट मीन्स हमारे पास अभी 7 trading days बचे हैं, ठीक है। अब ये 11वीं कैंडल ऊपर बन सकती है, 12वीं भी ऊपर बन सकती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जितना ऊपर जाएगा भाई ये उसको उतनी शार्प फॉल देके नीचे आना पड़ेगा, मैक्सिमम 15 से 17 कैंडल के अंदर अंदर, दैट मीन्स विद इन द मंथ एक्सपायरी, जो हमारी मंथ एक्सपायरी है वो 25th of August की है, इससे पहले पहले मार्केट को नीचे की तरफ अपने दर्शन देने पड़ेंगे, इस लाइन को टच करना पड़ेगा, ये याद रखेगा। ये लाइन भी ऊपर की तरफ वापस आती जाएगी, अभी जो 10 EMA है वो कहाँ पर आ रही है, EMA कहाँ आ रही है भाई, अभी EMA आ रही है 17,300, यहाँ पर देखो, यहाँ पर EMA आपको दिखाई देगी 17,323, ठीक है। अभी जो EMA का नंबर है वो है 323, मुझे लगता है जब 11वीं कैंडल बनेगी या 12वीं कैंडल बनेगी या 13वीं कैंडल बनेगी या 14वीं जो भी कैंडल बनेगी, ये एकदम ऊपर आती जाएगी, तो उसका नंबर भी चेंज होता है, लेकिन जब तक ये इसको टच करके ऊपर ना निकले, चाहे वो विक बना के निकले एक ही कैंडल में, जैसे लास्ट टाइम बैंक निफ्टी के साथ हुआ कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, एक यहाँ पर रेड कलर की कैंडल बनी, उसी दिन नीचे आया, उसने इसको विक को टच किया, ऐसी कैंडल बनी, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी, ये वाली कैंडल बनी थी, इसने इसको टच किया, उसके बाद में दोबारा से ऊपर की तरफ निकल गया, 1, 2, 3, 4 कैंडल्स की भी हो चुकी है, 4 कैंडल्स की भी हो चुकी है, ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाए, यहाँ पर भी आप देखोगे तो क्या कितने अच्छे तरीके से देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15th कैंडल ने टच कर दिया, 15वीं कैंडल ने ही टच कर दिया था, ठीक है। हमारे पास निफ्टी के अंदर अभी भी वो स्पेस बाकी है, क्या इसका मतलब कल ही गिर जाएगी, नहीं भाई, मैंने क्या बोला 15 से 17, ये सिर्फ 10वीं कैंडल, अभी हमारे पास 5 से 7 कैंडल बची हैं, ठीक है। तो 5-7 दिन बहुत होते हैं, हो सकता है गैप अप हो, के बाद में एक ही कैंडल में काम हो जाए, लेकिन मैंने एक छोटी पोजीशन यहाँ बनाई है, यहाँ ऊपर जाएगा तो और ऐड करूंगा, और ऊपर जाएगा तो और ऐड करूंगा, और ऊपर जाएगा तो और ऐड करूंगा, और ऊपर जाएगा तो और ऐड करूंगा, करता रहूंगा जब तक 17 कैंडल ना हो जाए, जब तक 7 दिनों तक, ठीक है। ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, हाँ थोड़ा सा क्रेजी प्लान है, लेकिन प्लान तो यही है, ठीक है। उसके बाद में बड़ी पोजीशन बनाएंगे, बाकी हमारे जो इंडसइंड बैंक थे गाइस, आपको बोला था 19 पॉइंट भागना चाहिए, 19 पॉइंट आज भागा है, एक्सिस बैंक भी भागा है, ये थोड़ा सा गिर गया लेकिन 19 पॉइंट इसने भी ऊपर की तरफ मारे थे, बहुत अच्छे तरीके से चला एक्सिस बैंक की तरह, साथ साथ ICICI बैंक भी चला, तो तीनों जो आपको ट्रेड मैंने दिए थे तीनों के तीनों बहुत अच्छे चले, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा भी बनाया है, ठीक है। अभी ये और भी भागेंगे, ठीक है, सितंबर इनके लिए बहुत अच्छा है, तो बैंकिंग सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करने की सोचना, ठीक है। दूसरी चीज़ इसको कर देता हूँ बंद और आपको दिखाता हूँ कुछ पॉजिटिव बातें जो हुई हैं, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने EMA लगा दी, ठीक है, ये है भाई निफ्टी 50, कल तक ये नहीं हुआ था लेकिन आज हो गया गाइस। क्या है ये? गोल्डन क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोजली 50 EMA ने तोड़ दिया, 100 EMA को तोड़ के भी ऊपर निकल गया, तो ये गोल्डन क्रॉसओवर हो गया। यहाँ पर आपका आ गया 20 ऊपर, 50 इसके नीचे, 100 इसके ऊपर एंड 200, तो ये भी एक सुपर बाइंग पोजीशन में आ गया। बोलेगा सर सुपर बाइंग में आ गया, फिर भी आप सेल की पोजीशन में आ रहे हो, सर मैं इंट्राडे के अंदर कवर कर लूँगा,
ठीक है, मेरी पोजिशनल ट्रेड जैसी भी रहेंगी मैं इंट्राडे के अंदर कवर कर लूंगा, इंट्राडे के अंदर हम अच्छा खासा पैसा बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल अलग है, लेकिन हाँ जब तक मार्केट 17,400 के लेवल पर नहीं आती है मुझे एक बड़ी तेजी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, मैं कोई बड़ी पोजीशन स्विंग ट्रेड के लिए नहीं बनाऊंगा। इंट्राडे के अंदर मैं बाइंग पोजीशन जरूर बना सकता हूँ, सेल पोजीशन जरूर बना सकता हूँ, लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए मैं कोई बाइंग पोजीशन अपनी नहीं बनाऊंगा। मेरी जितनी भी बाइंग पोजीशन थी मैंने आज क्लोज कर ली है। मेरा जो टारगेट था वो 38,800 था, मैंने 800 के ऊपर अपना टारगेट को कंप्लीट बुक कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा क्रॉसओवर आपको होता हुआ दिखाई देगा निफ्टी के अंदर। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत स्ट्रांग चीज़ है, लेकिन ये ग्रोथ मुझे हजम नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही है? ये ग्रोथ मुझे हजम नहीं हो रही है। यहाँ पर 100 ने भी क्रॉसओवर कर दिया भाई, मतलब जबरदस्ती मार्केट माल चिपकाया जा रहा है। मतलब ये समझो कि माल चिपकाया जा रहा है, ऊपर ले जाके माल चिपकाया जा रहा है, और डाइवर्जन भर भर के हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस भी हैं इसके अंदर, तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, निफ्टी के अंदर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर आ जाते हैं और इसको करते हैं बंद। निफ्टी दिखा देता हूँ, निफ्टी देखो हमारा फेवरेट पैटर्न इसने बनाया, ऊपर की तरफ आ गया। अब ये यहाँ पर अगर आप देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गई है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस और बाकी है, इसको टच करके नीचे की तरफ गिरनी चाहिए। यहीं से गिर जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है, हो सकता है कल गैपअप दे दे, गैपअप देने के बाद ये यहाँ से दोबारा की तरफ नीचे की तरफ वापस आ जाए, एक तरीके से फॉल दे दे, क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे लाल दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट फ्राइडे मुझे रेड दिखाई दे रहा है। कल भी हो सकता है कि गैपअप जरूर हो, लेकिन मार्केट ओवरऑल इंट्राडे के अंदर आपको नीचे गिरते हुए दिखाई दे, तो उस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, उस बात का आपको ध्यान रखना। ओके, लेवल्स की बात करें कहां पर बाय और कहां पर सेल करना है, अगर आप देखेंगे तो कंसोलिडेशन क्लोजिंग की अगर हम बात करें, निफ्टी ने भी 20-25 पॉइंट ऊपर कंसोलिडेशन क्लोजिंग दी है, और 5 मिनट के चार्ट पे आता दिखाई देगा आपको। यहां पर 38 पे क्लोजिंग आई थी और यहां पर 59 के ऊपर क्लोजिंग किया था 20 पॉइंट के आसपास। यहां पर भी इसने यहां पर जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है नीचे की तरफ वो 38,835 के पास क्लोजिंग आई थी, इसने 79 50 पॉइंट के ऊपर काफी ऊपर जाके क्लोज दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी भी बहुत स्ट्रांग है, रनवे गैप जो इसने बनाया है ना ये बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना था रनवे गैप के ऊपर, तो काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला। और आज इस तरीके से आप लेवल पे कल ट्रेड कर सकते हैं, वो आप लेवल देख लीजिए, फिबोनाची के लेवल रहेंगे, इसके ऊपर के लेवल मैं नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर कल के दिन मार्केट आपको किसी भी रीजन की वजह से और दूसरा टारगेट आपका होगा 17,731। इसके ऊपर एक लेवल और दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है पर्पल लाइन के ऊपर कल मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो वॉच आउट कीजिएगा, बहुत छोटा लेवल बाइंग के लेवल है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अगर मार्केट 17,636 को तोड़ती है, इमीडिएटली आप बाई कर सकते हैं। 17,603 आपका पहला टारगेट रहेगा, 17,587 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, और फाइनल टारगेट नीचे की तरफ जो आपका रहेगा वो रहेगा 17,543 कल के लिए। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, मुझे नहीं पता कोई न्यूज आएगी जिसकी वजह से मार्केट को गिरना चाहिए करेक्ट करना चाहिए, लेकिन हाँ ये रेंज रहेगी निफ्टी की। बैंक निफ्टी की अगर मैं रेंज की बात करूं, बाय कहाँ करना है आपको, अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, ये है हमारा 38,869 का लेवल। 869 के ऊपर आप 79 पे तो बंदी हुई है मेरे भाई, तो आपको 935 के ऊपर बाय करना है। 935 के ऊपर बाय कीजिए, 39,019 आपका पहला टारगेट, और मेरा फाइनल टारगेट कल के लिए रहेगा 39,135। इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मार्केट गिरना शुरू करती है तो आप कहाँ पर सेल कर सकते हो, 38,860 के नीचे सेल की पोजीशन में बनाइए। 38,746 आपका पहला टारगेट रहेगा, और उसके नीचे का टारगेट ये रहेगा आपका 38,500 का। इसको हम पर्पल लाइन मार्क कर देंगे, कल आपको इतना ये रेंज रहेगी। कल का रेंज जो है वो थोड़ा छोटा रहेगा, मार्केट साइड होने के ज़्यादा चांसेस है, प्रीमियम मीटिंग डे के ज़्यादा चांसेस है, स्टॉप लॉस हिट होने के थोड़े से चांसेस हैं, तो अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप कम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रहे हमारे लेवल। दूसरी आपको लेवल अपडेशन की बात की बताऊँ, तो आज हमारी 333 स्ट्रैटेजी अच्छी खासी चली,
उन्होंने भरपूर पैसा भी बना के दिया अच्छा खासा। साथ के साथ एल्गो की अपडेट की हम बात करें तो गाइज आज एल्गो में क्योंकि मैंने 10 लॉट के साथ में ट्रेड किया था, वी हैव मेड 18,970 रुपीज इन टोटल, दैट्स द अपडेट। और अगर मैं टोटल कैपिटल की बात करूँ तो 1,28,400 में अगर ये चीज़ ऐड करते हैं इट बी समवेयर अराउंड 1,47,000 रुपीज। ठीक है, सो इन सो फॉर 11 डेज, आज क्या तारीख है, 11 तारीख है, तो महीने के 11 दिन हो गए, वी हैव अचीव्ड अराउंड 47% रिटर्न ऑन आर एल्गो अकाउंट इज वेल। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं रोज डेली बेसिस पे आपको अपडेट करता रहता हूँ कि किस तरीके से एल्गो चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कितना अपडेशन कर रहा है। मेरे हिसाब से तो ये FD है जिसके अंदर मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और डेली बेसिस पे मैं मिनिमम मंथली बेसिस पे 10% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लास्ट मंथ इसने मुझे 70-80% दिए थे, अब तक 47 ऑलरेडी चल रहे हैं। अगर लॉस भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ ऑन अ मंथली बेसिस, जहाँ पर ना तो मुझे सिस्टम खोलने की ज़रूरत है या कुछ करने की ज़रूरत है। खाली मैंने अकाउंट में पैसे डाल के मेंबरशिप लेके छोड़ दिया है और सिस्टम इज डूइंग इट्स मैजिक बाय इटसेल्फ। ठीक है गाइस, ये रहे हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल एंड एनालिसिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, द इंफॉर्मेशन, द मच अवेटेड पॉडकास्ट जिसकी हमने बात की थी वो ऑलरेडी लाइव हो चुका है। ओके, द पॉडकास्ट इज लाइव ऑन स्पॉटिफाई, तो आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो लिंक जो है वो पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर ये जो पॉडकास्ट है ये आप जाके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, खुल जाएगा, और स्पॉटिफाई के ऊपर सुन सकते हैं। इसमें 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, हाउ टू हैंडल फियर एंड ग्रीड, एंड सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिस्क एंड पोजिशन साइजिंग। तो ये आप दोनों सुन सकते हैं और इस म्यूजिक का आनंद भी उठा सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, फॉलो ऑन स्पॉटिफाई इज वेल। ठीक है, और अपना फीडबैक देने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन के अंदर रेटिंग के थ्रू कि आपको कैसा लगा पॉडकास्ट, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। ठीक है गाइस, ये था एनालिसिस, फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट एंड यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग। हैप्पी राखी Everybody, have fun. Bye-bye.